नमस्कार, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज जो विषय हम लेकर के आए हैं वो शायद हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे भारतवासी 130-135 करोड़ की जो जनसंख्या है उनको कहीं ना कहीं वो मुद्दा प्रभावित करता है। आप भी कहेंगे कैसा क्या मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, 8 नवंबर 2016 याद कीजिए, रात 8 बजे का काल, प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और अचानक घोषणा करते हैं कि नोटबंदी हो गई भारत में, 1000 का नोट बंद। शायद ये इतिहास में पहली बार था, भारत की जनता को एहसास नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, पूरी दुनिया भी चकित थी। और उससे जब अगला दिन था तब इस पूरे देश की जनता को ये पता चला कि हमारे बीच में एक ऐसी संस्था काम करती है जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम होता और वो है बैंक। पूरा भारतवर्ष बैंकों के आगे लाइन लगा के खड़ा था। तब इस देश की जनता ने पहचाना कि बैंक आखिर चीज क्या है, और उसके बाद से आज तक शायद बैंक कभी भी चर्चाओं से अलग नहीं हटे, चाहे वो एनपीए के मामले रहे, चाहे वो बैंकों में हड़ताल रही, या एक आम उपभोक्ता जब बैंक में जाता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। और इन सब मुद्दों के साथ में जो एक हर वक्त एक मुद्दा पीछे छूट जाता है वो है उस बैंक में बैठने वाला कर्मचारी। वो कर्मचारी क्या चाहता है, उसके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या मांग है, उसकी क्या परेशानी है, शायद इन मुद्दों के बीच में उसकी बात कहीं ना कहीं रह जाती है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब बातों पर। एक अच्छी बात ये रही कि हमारे साथ आज जो दो महानुभाव इस चर्चा में जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ यूनियन राजस्थान, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और सेंट्रल कमेटी मेंबर AIBEA, जो सभी बैंकों के लिए काम करता है, सभी बैंकों में एक मेजोरिटी यूनियन के रूप में काम करता है, उसको हम राजस्थान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभारी है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और हमारे साथ दूसरे साथी हैं हेमराज सिंह गौड़। हेमराज सिंह गौड़ बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के वो भी अपने प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। और मैं चाहूँगा गौड़ साहब आप भी अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं हेमराज सिंह गौड़ बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का जो है मैं ट्रेजरार हूँ, जो हम कर्मचारियों के हितों और ग्राहक सुविधाओं के लिए अक्सर प्रबंधक वर्ग से बातचीत करते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं, हमेशा ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिले और हमारे कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। 2016 के बाद बैंक कर्मचारियों की या बैंकों की क्या स्थिति है अब इस देश में, थोड़ा सा पहले इस पर प्रकाश डालिए। 2016 में जब 8 नवंबर को अचानक प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया, देश में एक मौद्रिक अस्थिरता पैदा हुई, देश के सामने बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज आया। पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बिना अपनी जीवन के परवाह किए मैनेजमेंट से कंधा मिलाकर दिन रात एक करते हुए उस टास्क को लिया और 98.5% करेंसी को कुछ दिनों में रिप्लेस किया। स्थिति ये थी कि ग्राहक शाखाओं में माते नहीं थे, दिन भर भीड़ भाड़, नोटों को जांचना तो बहुत दूर की बात, गिनने की समस्या हो गई थी। आपस में तालमेल बिठाते हुए उस टास्क को पूरा किया और जैसे तैसे करके मौद्रिक स्थिरता पैदा की, पूरी करेंसी को रिप्लेस किया। इस दौरान कई एम्प्लॉयज इस काम के दबाव और तनाव की वजह से एक्सपायर भी हो गए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, इस मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज की सुध नहीं ली और एम्प्लॉयज को अपने हाल पे छोड़ दिया। उसके बाद से ही एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स का ध्यान रखे बगैर बायपट्रेट सेटलमेंट के लिए संघर्ष शुरू हुआ। शर्म की बात है कि गवर्नमेंट ने बैंक एम्प्लॉयज के लिए एक शर्मसार करने वाला ऑफर दिया, केवल 2% की सैलरी इंक्रीज करने का ऑफर दिया, जो निंदनीय नहीं रहा। संगठनों ने संघर्ष किया और उसको एक सम्मानजनक स्थिति में लेके आए, लेकिन एम्प्लॉयज पर काम का भार बढ़ता गया। काम का भार बढ़ते बढ़ते बैंकों ने रिक्रूटमेंट बंद किए, कर्मचारियों की संख्या घटती गई, काम बढ़ता गया, गवर्नमेंट के दबाव बढ़ते गए, एनपीएस बढ़ते गए और धीरे धीरे करके बैंकों का स्वास्थ्य खराब करने की गवर्नमेंट ने ठान ली थी। इसी क्रम में सितंबर 2018 में
चार बैंकों का अमलगमेशन किया, मर्ज किया और इसको 1 अप्रैल 2019 से लागू किया। बहुत बड़ा टास्क था लेकिन एम्प्लॉयज ने उसकी चिंता किए बगैर उसको भी सफल बनाया। गुप्ता जी, इसके ऊपर अपन बाद में आएंगे मर्जीकरण के ऊपर, उससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। 2016 के बाद में आप चूंकि डायरेक्ट उस उपभोक्ता से जुड़े हुए रहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं बैंक इस वक्त? 2016 के बाद गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी चालू की जो मेन बैंक क्षेत्र के पिलर हुआ करते थे, क्लरिकल और अवार्ड स्टाफ जिसको कहा जाता है, सब स्टाफ, उनकी भर्तियां रोक दी गई। भर्ती नहीं होने से ग्राहक को हम पूर्ण रूप से सुविधा नहीं दे पाए और आज भी ये स्थिति है कि जितनी हम सुविधा देने की इच्छा मनोच्छा हमारी होती है मजबूरों से नहीं दे पाते हैं। साथ ही गवर्नमेंट इतना अधिक भार लगा दिए ग्राहकों पे, जो गवर्नमेंट जैसा सुनने में आता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है, वो स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की सारी योजनाएं आती हैं, जो भी स्कीम, चाहे लोन देने की हो, खाता खोलने की हो, बीमे की हो, वो सरकारी बैंक उसको कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों पर ये स्कीमें लागू नहीं है। अधिभार ग्राहकों पर इतने ज्यादा लगा दिए गए, प्राइवेट बैंकों में अधिभार कम है। जो एक जिम्मेदारी का विभाग, जहाँ कर्मचारी की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंकिंग कर्मचारी चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मैं ये कहूंगा कि चाहे वार्ड स्टाफ हो, वहाँ आज की तारीख में वेतन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी कम है। एक तो वैकेंसी नहीं निकालते, वैकेंसी निकालते भी हैं तो कोई बैंकिंग क्षेत्र में आना नहीं चाहता, क्योंकि बैंक में एक तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो गया है। आज की तारीख में हम जैसे देख रहे हैं कि 100-150 किलोमीटर ट्रांसफर करना अनायास, आज की तारीख में ऑफिसर्स का 75% भाग अवार्ड स्टाफ में है, जो किसी जमाने में अवार्ड स्टाफ जो क्लरिकल होता था उसका 50% अधिकारी होते थे, आज अधिकारियों का 75% क्लरिकल है। जबकि ग्राहक सेवा का जहां सवाल आता है, विशेष रूप से अवार्ड स्टाफ काउंटर में बैठ के फ्रंट मोर्चा जो संभालता है वो अपना देता है और वो उसको संतुष्ट करता है, लेकिन व्यवस्था यह है, कहने में अधिकारी कह देते हैं कि नहीं अधिकारी भी काम करेंगे, लेकिन अधिकारी इस काम को नहीं करते हैं। और वो अवार्ड स्टाफ की कमी की वजह से हमारी काफी ग्राहक सेवा पर जो एक गरीब की या वृद्ध की जो बचत होती है, जो वो बैंक के जहां सुरक्षित उसका पैसा है, उस पर ब्याज दर इन्होंने काफी कम कर दी है, तो वो भी एक आम आदमी का नुकसान हुआ है। क्योंकि कॉरपोरेट घरानों को लाभान्वित करने के लिए जब ये लोनों पे रेट कम कर रहे हैं, जहां ऋण देने की बात आती है तो उनसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक कहते हैं हम इनसे कम रेट में दे देंगे, तो इसलिए नेशनलाइज बैंक भी उसको सरकार उस पर कम कर रही है, लेकिन साथ में डिपोजिट का जो है बहुत बड़ा लॉस जो बैंकों को हो रहा है और ग्राहकों को हो रहा है, विशेषकर से जो सीनियर सिटीजन है उनको, राज्य की एक पूंजी है वो सुरक्षित तो है लेकिन ब्याज दर उनको काफी कम मिल रहा है। गुप्ता साहब, अभी आपने कहा मर्जीकरण, मर्जीकरण के अलावा एक समस्या और भी जो हम बार बार अखबारों में पढ़ रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है, सरकार बैंकों की निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था, खास तौर से आप दर्शकों को समझिए कि बैंक का निजीकरण का क्या औचित्य है? आप लोग सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, सरकार क्यों निजीकरण की तरफ ले जाना चाहती है? देखिए, किसी भी सेक्टर के विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी जरूरी है, निजीकरण भी जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक आम आदमी तक पहचान बनाई है, पहुंच बनाई है, गांव गांव ढाणी ढाणी तक बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करवाई है, गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंकिंग और सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया है। आज डीबीटी की बात करते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही कर रहे हैं। आज जनधन योजना की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटेक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ही है। आज इंश्योरेंस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ही है। इसमें आप बात करेंगे निजी क्षेत्र की तो निजी क्षेत्र का इसमें नेग्लिजिबल हिस्सा है। आप बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की तो सबसे ज्यादा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ही है। आप सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही इसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो कर रहा है, एक तरह से मान लिया जाता है कि तो करता रहेगा, इसको हम चाहे जैसे ट्रीट कर लें, ये तो अपना काम करेगा, ये तो हमारा जो है लाडला है, ये तो जो भी इसको कुछ देंगे तो भी करेगा, नहीं देंगे तो भी करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का कर्मचारी काम करता जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के जो ग्राहक हैं इनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमोडलाइज करने के लिए प्रयासरत है। जैसा कि हेमराज जी ने बताया कि जो आम आदमी है, जनरल कस्टमर है, उसके ऊपर प्रभार के रूप में कई ऐसी चीजें लागू की है जो उस पर नहीं लागू होनी चाहिए। आप चेक रिटर्निंग चार्ज की बात करें, आप दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरे सर्विसेज की बात करें, आप जो हिडन चार्जेज हैं वो आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर इतने लागू कर दिए हैं, इतना बर्डन डाल दिया है कि कस्टमर उसको झेलने के लिए मजबूर है। वो कई बार उलझते भी दिखते हैं, कई बार देखते हैं तो उसके लिए जिद्दोजहद भी करते हैं, लेकिन बैंकर की मजबूरी हो जाती है कि उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और उसके लिए एक टसल का कारण हो जाता है।
लेकिन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लागू की है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बदनाम करने के लिए पॉलिसी लागू की है। और जो आप बात कर रहे हैं निजीकरण के प्रयास मूल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हम समझ रहे हैं वो इसलिए कर रही है कि कैसे निजीकरण के प्रयास लागू करते हुए निजी क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि आज एनपीए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जितना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रिकवरी कर रहे हैं और जितना एक रिटेल लेंडिंग में रिकवरी हो रही है उससे कई गुना जो कॉरपोरेट बोरोवर्स है वो डिफॉल्टर हैं। रिकवरी नहीं हो रही है तो कॉरपोरेट बोरोवर्स की नहीं हो रही है, और जो बैंकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है कॉरपोरेट बोरोवर्स की वजह से हो रही है, जिसमें किसी भी एक सामान्य बैंकर का या एक सामान्य अधिकारी का या एक सामान्य एग्जीक्यूटिव तक का उसमें हाथ नहीं हो सकता। आपने कहा कि भाई निजी तरफ इसलिए लेकर के जा रहे हैं क्योंकि कॉरपोरेट्स के हाथ में ये सत्ता देनी चाहते हैं, सारा का सारा पूंजी का जो भी सिस्टम है वो कॉरपोरेट्स के हाथ में चला जाए। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको पुराना एक उदाहरण देकर के समझना चाहूंगा आपसे भी कि नीरव मोदी ने जो घोटाला किया 9,000 करोड़ का, या उसके चौक से उसके चाचा ने जो घोटाले किए, वो तो बैंक प्राइवेट नहीं था, वो तो सरकारी बैंक था, पीएनबी से किया उन्होंने, ये कैसे संभव हुआ? आप कह रहे हो कि भाई गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइजेशन इसलिए झोंकना चाहती है कि आराम से कॉरपोरेट के हाथ में दे, लेकिन आपका पीएनबी ने तो पहले ही कॉरपोरेट के हाथ में सौंप दिया, ऐसे कैसे संभव है? देखिए, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँ, क्योंकि एक कॉरपोरेट इशू है जो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और इस तरह के जो विजय माल्या इस तरह के जो केसेज हैं, ये एक आम बैंकर के हाथ के किए हुए काम नहीं हो सकते हैं। ये कॉरपोरेट डिसीजंस हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरफेरेंस के द्वारा दिए गए लोन्स हैं और उनके प्रोटेक्शन के तहत ही ये एनपीए हुए हैं। आप देखते हैं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या माल्या जो यहाँ से माइग्रेट हुए हैं या भगाए गए हैं, वो बिना गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के भाग नहीं सकते हैं। आज तक भी उनके न तो पैसे कोई वसूली हुई है और न कोई उनपे उचित कार्यवाही हुई जो कि अपेक्षित है। उसकी कॉस्ट बैंकों को और बैंकर्स को जो उसके एम्प्लॉयज है उनको पे करनी पड़ रही है। नीरव मोदी का जो मैटर हुआ उसके बाद में आप देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो सेंसिटिव पोस्ट है उनको रोटेट करने के लिए जो मैनेजमेंट ने माना, आरबीआई ने माना कि सेंसिटिव पोजीशन में जो व्यक्ति कंटिन्यूस लंबे टाइम तक 3 साल ऐसे जाते टाइम तक काम करता है वो वहां पे प्रूडेंट एक्टिविटीज को प्रोटेक्शन देता है, इसलिए उसको ट्रांसफर किया जाए। बट नहीं, चल सेंसिटिव पोजीशन जो होती है वहां ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन बैंकों ने उस सेंसिटिव पोजीशन के नाम पे सारे एम्प्लॉइज के ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अच्छा, 200, 200, 500 किलोमीटर तक ट्रांसफर किए। मतलब वो जो नीरव मोदी का जो दंड था वो आपके कर्मचारियों को मिलता था। 2018 में बैंक ऑफ बड़ा में ट्रांसफर किए थे, बैंक ऑफ बड़ा में जो ट्रांसफर किए उनके अगेंस्ट में फाइट किया और फाइट करके सारे एम्प्लॉइज को वापस लेके आए, और जो मैंडेटरी लीव या जो मैंडेटरी ट्रांसफर जो इश्यूज थे उनको रुकवाया, ये मानते हुए कि जो नॉन सेंसिटिव पोजिशन है उसका इसमें हाथ नहीं हो सकता है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो सेंसिटिव पोजीशन होल्डर्स है वो कर सकते हैं, वो सेंसिटिव पोजीशन होल्डर्स ने काम किया है निश्चित रूप से हम मानते हैं, जिन्हें टॉप एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई एक उचित कार्यवाही नहीं हुई, न तो लोन लेने वाले पर न लोन देने वाले पर, इसमें आम आदमी का कोई हाथ नहीं हो सकता है। आपके कर्मचारी यूनियंस इन सब चीजों को भारत सरकार के सामने कैसे रखती है? नहीं, हम एमसीजीओ के लिए हम काफी समय से गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि ये विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके नाम घोषित किए जाएं, मीडिया के द्वारा पब्लिसिटी किया जाए, साथ ही ऐसे कानून बनाए जाएं जिनसे हम उनकी संपत्ति को बेच करके किसी प्रकार से हमारा जो पैसा है उस शीघ्र वसूल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इसको बनाने में असमर्थ रही है। अभी तक ऐसा कई बार कहा, लेकिन कई बार यूनियन ने ऐसे मांग की, विलफुल डिफॉल्टरों की लिस्ट पब्लिश करने में कतराती रही, नहीं आज तक ऐसे बदमाश प्रवृत्ति का है या कोई अच्छा धनाढ्य है उसकी कोई प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाहता उसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया, जबकि हमने तो ये भी मांग की कि इस प्रॉपर्टी को बैंक खुद अपने आप खरीद ले और बाद में इसको डेवलप करके इसको बेचा जाए या अपना पैसा वसूल किया जाए। अभी आप मेरे वरिष्ठ साथी जी पूछ रहे थे कि निजीकरण के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है, क्यों करना चाहती है। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे भारत के अंदर विदेशों की तरह एक बड़ा बैंक बनाना है, केवल 4 बैंक रखने हैं। आप कुछ समय पूर्व के आंकड़े उठा के देखिए, विदेशों में जो एक प्राइवेट जो बड़े बैंक थे, अगर हमारे 4 बैंक के अगर सारे बैंकों को मर्ज करके एक बैंक भी बना दिया जाए तो हम विदेश के एक बैंक के बराबर नहीं होंगे। और जो आर्थिक मंदी के दौर में विदेशों के जो हमसे बड़े बैंक थे, हमारे सारे बैंकों को मिलाकर जो कैपिटल अगर देखा जाए उनकी, उससे ज्यादा बड़े बैंक थे, वो धराशायी हुए हैं। भारत के अंदर कोई बैंक नेशनलाइज बैंक धराशायी नहीं हुआ। निजीकरण के पीछे जो उनका उद्देश्य है, क्योंकि आज जैसा आपने नीरव मोदी चौकसी के लिए बात की, मैं उस बारे में जानना चाहूंगा कि ये कोई लोन जो है ये किसी ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर या जनरल मैनेजर की कंसर्निंग नहीं हुए, ये सीधे ऊपर सीएमडी के लेवल पे होते हैं और सीएमडी का सीधा भारत सरकार से लिंक होता है। अक्सर इनको ये भी प्रलोभन दिया जाता है कि आने वाले टाइम में आपको आरबीआई के गवर्नर या डिप्टी गवर्नर बना दिया जाएगा। राजस्थान बैंक का जो मर्जिंग हुआ उसमें भी चंदा कोचर को आश्वासन दिया गया था,
हालांकि इन्होंने साबित नहीं किया, कई जगह पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रॉब्लम देती है और ये बड़े बैंक के नाम भी इनको खत्म करना चाहती है। आज की तारीख में जो सरकारी बैंक है वो कम से कम लोन देने के लिए सोचती है या उनके कोई पैरामीटर्स वो डिसाइड करते हैं। कई सरकारी जो अधिकारी भी बैंकों में जो अधिकारी हैं वो कोई गलत अगर हो रहा है तो उसका विरोध भी करने में सक्षम होते हैं, लेकिन प्राइवेट होने के बाद में ये एकाधिकार हो जाएगा। आज आप देख लीजिए, आज प्राइवेट बैंकों की जब बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, हमारे यहाँ चार्ज 80 रुपए से शुरू होता है और मुश्किल से 200-300 जाके खत्म हो जाता है। जैसे आपके सिग्नेचर डिफर है, आपकी चेक में कटिंग है, इस तरह से वो थोड़ा सा, तो वो 80 रुपए से और 200-300-500 रुपए जाके खत्म हो जाता है, जबकि प्राइवेट बैंकों में मिनिमम चार्ज 1000 रुपए से शुरू होता है। आप अगर निजीकरण इतना अच्छा है तो ये वहां इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवाती गवर्नमेंट? हमारे यहाँ खाता 0 बैलेंस से लेकर के 1000 रुपए में इजी वे में खुलता है सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में, जबकि वहां 10000 रुपए से कम खाता नहीं खुलता। आप वहां के लोगों से संपर्क करके देखिए कि जो एक गरीब आदमी है जिसका मकान का लोन है 5 लाख रुपए, 20 लाख, 10 लाख रुपए, उसका रेटोमेंटेशन देखिए, और जिसका 5 करोड़ का फाइनेंस है उसका रेटोमेंटेशन देखिए आप, क्योंकि वो बड़े लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके कैश हैंडलिंग चार्जेस नहीं ले रहे उनसे, और छोटे पे उसकी मार मारी जा रही है। तो जो आज राष्ट्रीयकृत बैंक आम गरीब आदमी का हितेशी है, कर्मचारियों का हितेशी है, और प्राइवेट बैंक जो है वो धनाढ्य लोगों का, क्योंकि उनकी पॉलिसी धनाढ्य लोगों को कोऑपरेट करना है। सरकारी बैंकों के बारे में की धारणा अक्सर हम सुनने में महसूस भी करते हैं कि जब आम आदमी ये कहता है कि यार बैंक जाओ तो यार वो बड़ा मतलब विचित्र सी स्थिति होती है, वो सही तरीके से जवाब नहीं देता, काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति एंटरटेन ही नहीं करता, वो ये चाहता है कि यार दूसरे काउंटर पे चले जाइए, आप मंशा ये रहती है कि यार ये क्यों आ गए बैंक में, आप कहीं और चले जाइए। इसको लेकर के आखिर ये बैंक कर्मियों का फ्रस्ट्रेशन है या ओवरलोड है कि भाई बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया उनके ऊपर, या ये क्या है? ऐसी स्थिति हमने पहले तो नहीं सुनी थी, लेकिन ये स्थितियां पैदा अब क्यों दिखने में आ रही हैं और क्यों लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं बैंक कर्मचारियों को लेकर के? मुख्य कारण जो है, जो इस विचारधारा के पीछे कि एक माहौल तैयार कर दिया गया है कि सरकारी बैंक के सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता और उसको डिफेम किया जाए। दूसरी बात, मैं आपको बीच में रोकूंगा, क्या ये जो डिफेम करने के पीछे है, क्या एक सोची समझी साजिश है कि भाई बैंकों को जब हम प्राइवेटाइजेशन में देंगे तो एक माहौल, एक पैरेलल माहौल उनके फेवर में चलेगा? यार ये लोग आपको डांटते थे, डपटते थे, इसलिए हम ये प्राइवेट ही कर दिया, बहुत बढ़िया हो गया। बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है ये, इसलिए सोची समझी साजिश है क्योंकि निजी बैंकों में जाके आदमी कोई बोल नहीं पाता है, वहाँ उनके कोई सुनने वाला नहीं होता है, और यहाँ यदि किसी भी छोटे से छोटे ग्राहक ने या ग्राहक के प्रतिनिधि ने भी कोई बात कही है तो उसकी बात को टॉप लेवल तक भी सुना जाता है और उसको अमल में किया जाता है और बिल्कुल टू द पॉइंट उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आदमी को यहाँ बोलने का अवसर मिलने की वजह से ज्यादा अच्छा बोल पा रहा है और अपनी बात रख पा रहा है, तो उसका दुरुपयोग भी कई सेक्टर्स में हो रहा है। दूसरी बात, आज बात करते हैं हम कि साहब निजी क्षेत्र के बैंकों क्यों बढ़िया बताने का प्रयास किया जा रहा है, वो इसलिए बताने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनका प्रोडक्ट कैसा भी है, उनकी सर्विसेज कैसे भी है, जब तक उनको बढ़िया नहीं बताएंगे तब तक उनके लिए पब्लिक का अट्रैक्शन बनेगा कैसे? जैसे हमारे मित्र ने बताया कि 10,000 से कम में निजी बैंक में खाता नहीं खुलता है, तो वहां तो ऑटोमेटिकली नेचुरली एक जो प्रीमियम कस्टमर है वही जाएगा। हमारे यहाँ तो प्रीमियम कस्टमर भी आना है और रिटेल कस्टमर भी आना है और अनप्रोडक्टिव कस्टमर भी आना है, हर तरह का कस्टमर आना है, हर तरह के कस्टमर को एक ही लेवल की सर्विसेज देना है। जिस कस्टमर के खाते में 0 बैलेंस है उसको भी उसी लेवल की सर्विसेज देना है, और जिस कस्टमर के खाते में 100 करोड़ का बैलेंस है उसको भी उसी लेवल की सर्विस देना है। वहां पे यदि 100 करोड़ का कस्टमर है तो उसके लिए सेपरेट एक सेटअप है, तो उसको अपने आप संतुष्टि मिल रही है, एक जनरल कस्टमर वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा आज टेक्नो फ्रेंड है, जो टेक्नोलॉजी के टाइम है वहाँ टेक्नोलॉजी के सहारे अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर के बैंक के टेक्नोलॉजी को जो कॉर्पोरेट सेक्टर के कस्टमर्स हैं या अच्छे क्वालिफाइड कस्टमर्स हैं इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक के कस्टमर्स सभी तरह के कस्टमर्स होने की वजह से टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेबिलिटी में लिमिटेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आज भी भारत की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है या लिटिल एजुकेटेड है, जब ये बहुत कम शिक्षित है तो टेक्नोलॉजी को इतना इजीली एक्सेप्ट करना कोई आसान काम नहीं है, और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो वो कहां जा रहा है? काउंटर पे जा रहा है, उसको समझ है या नहीं है, लेकिन संतुष्टि पूरी चाह रहा है, बैंकर उसको पूरी संतुष्टि देने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन उसकी संतुष्टि उसमें मिल नहीं पा रही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है, उसके पर मंथ उसको एक्सपेक्ट होती है मेरे खाते में वृद्धावस्था पेंशन आएगी, सरकार की स्कीम है 1,500 रुपए या 2,000 रुपए 1,000 रुपए जो भी वृद्धावस्था पेंशन है वो आएगी, गवर्नमेंट ने जमा नहीं की उसकी पेंशन, वो 1 तारीख से बैंक में लाइन लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब 15 दिन उसको चक्कर लगाते हो गया तो उसके दिमाग में कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, वो बैंक को दोषी मान
नहीं। वो फ्रस्ट्रेशन किसके दिमाग में आएगा? उस लेडी के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में। वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? गवर्नमेंट के पास तो जा नहीं सकती, सीधा बैंकर के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसको कोई मोटिवेट कर रहा है, यार ये बैंक में जो बाबू बैठा है आपको सर्विस नहीं दे रहा तो कर दे कंप्लेंट। कंप्लेंट कर दिया जैसे कॉस्ट किसको पे करनी पड़ रही है? जो काउंटर को अटेंड कर रहा है। ये कस्टमर कंप्लेंट का डिसेटिस्फेक्शन का मेन रीजन ये है कि कई गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सर्विसेज पब्लिक सेक्टर बैंक दे रहे हैं, जब वहां से इनपुट नहीं मिल पा रहा, एम्प्लॉय कैसे आउटपुट देगा? लेकिन ये बात बैंक जाहिर भी तो क्यों नहीं करता? बैंक का मैनेजर एक बोर्ड लगा दे कि भाई बाहर गेट के नहीं। बैंक का मैनेजमेंट भी इस बात को जाहिर कर रहा है, कर्मचारी भी जाहिर कर रहा है, बोर्ड भी लगा रखा है, लेकिन हमारा जो भारतीय नागरिक है आज भी अन्य देशों के कंपैरिजन में कम पढ़ा लिखा है। मैं पर्टिकुलर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते हुए या उनको करते हुए, हमारा डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे हैं भारत को। आज आप बैंकिंग क्षेत्र में चले जाओ, रेलवे की विंडो पे चले जाओ, कितने आज उस फार्म को भरने में कैपेबल है। मैं कहता हूं हमारे एक जमा की पर्ची, विड्रॉल पैसा निकालने की पर्ची होती है, दिन भर में अगर देखें जितने ग्राहक आते हैं उसमें से मोर देन 50% ऐसे लोग आते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो पर्ची को नहीं भर पाते। अब वो डिजिटल इंडिया का कैसे लाभ लेंगे साहब? इन्होंने डिजिटल इंडिया के नाम पर हर बैंकों में, हर विभागों में सरकारी मशीनें लगा दी और मैन पावर को कम कर दिया। अब जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था मेरे वरिष्ठ साथी से कि भाई ऐसा क्यों है काउंटर वाला इधर से उधर क्यों भगाता है, जहां पर कैश का फ्लो इतना है, आरटीजीएस ये दुनिया इतना है, आपने मैन पावर जहां 6 काउंटर हुआ करते थे वहां 2 काउंटर कर दिए गए, और पासबुक के लिए ऊपर से कैसा पासबुक के लिए आपके प्रिंटर लगा हुआ है उसको यूज करो, आपके लिए कैश क्योस्क मशीन लगी उसको यूज करो। लेकिन हमारा भारतीय जो ग्राहक है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में वही ग्राहक आता है जो प्राइवेट बैंकों में उसी पहुंच नहीं है, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े लोग जाते हैं या कर्ज वाले जाते हैं जिनको राष्ट्रीयकृत बैंक लोन नहीं देती, कोई उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड नहीं है, कि जो बीसी है या उनके जो एजेंट है जिनको कमीशन मिलता है खाता खोलने के लिए, लोन देने के लिए, वो अपनी एक मिली भगत से किसी भी तरह का लोनों को करवा लेते हैं। उनके रिजल्ट बाद में क्या आएंगे आप हम सब जानते हैं और अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंकों का एनपी अगर ईयर वाइज देखा जाए, जब से प्राइवेट आना शुरू हुआ है प्राइवेट बैंकों एनपी ज्यादा बढ़ता है या ग्राहकों का हैरेसमेंट ज्यादा है। बीच में जो फाइनेंस कंपनियों से इन्होंने टाइप कर लिया था, कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी कि कार में मरीज को ले जाया जा रहा है, उसको कार को रास्ते में छिना लिया जाता था। प्राइवेट फाइनेंस तो इतनी बदमाशी करते हैं या प्राइवेट जो बैंक है, और वैसे भी आप पिछला 20 साल पूर्व देख लीजिए, अब इसको बैंकों का दर्जा दे दिया गया, पहले जो फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया जाता था, सर्जन फाइनेंस, लक्ष्मी फाइनेंस, ये सभी एक थोड़ा बड़े आकार में, वो सब हमारे यहां से पैसा बटोर बटोर के चली गई। अभी आपने जिक्र किया एनपीए का, एनपीए के ऊपर अपन शायद जितनी बात करें उतनी कम है। नॉन प्रॉफिट एसेट्स एक ऐसी चीज है जो आम भारतीय की शायद समझ से बाहर हो। करीबन अभी हम ये सुन रहे हैं कि कोरोना काल में लगभग 1,00,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट्स को एनपीए कर दिया। इसके पहले मेहुल चौकसी हो, चंदा कोचर हो, ये सब नाम हम आ ही रहे हैं हमारी बातचीत। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, ये जो एनपीए की राशि है, ये जब हमारे मान लीजिए 1,00,000 करोड़ का एनपीए का भार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो माफ कर दिया उसको, अब ये आप लोग हमारे से कैसे आप वसूलते हैं? मतलब मेरे से मतलब एक आम उपभोक्ता जो बैंक का आपका कस्टमर है उसके ऊपर ये भार कैसे आता है? किस तरह से बैंक डालते हैं, किस तरह से वो राशि को पूरा किया जाता है, क्या वो भरपाई भारत सरकार करती है बैंक की? बैंकिंग सेक्टर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड सेक्टर है, बिजनेस है, बिजनेस के उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मेनली डिपॉजिट और एडवांसेस का मेन कॉर्पस रहता है। पब्लिक से जमाएं लेता है, उस पर ब्याज देता है और पब्लिक को उधार देता है, उससे अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करते हुए ज्यादा ब्याज लेकर को एडजस्ट करता है। इन दोनों के डिफरेंस जो रहता है वो बैंकों का प्रॉफिट होता है। जब एनपीए होता है तो स्टेप वाइज एनपीए होता जाता है और जैसे जैसे एनपीए होता है बैंकों को उस एनपीए के लिए प्रोविजंस करना पड़ता है, जो प्रोविजंस बैंकों के प्रॉफिट में से होता है, जो बैंकें प्रॉफिट कमा रही है वो प्रॉफिट एनपीए के रूप में एक साइड में रखना पड़ता है कि जब बोरोवर से पैसा वसूल नहीं हुआ तो प्रॉफिट में से गया तो वो नुकसान अंततः भारत का है, अंततः ग्राहक का है, अंततः बैंक का है, भारत सरकार का उसमें कोई नुकसान नहीं है। जो बैंक ने उठा के 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 700 करोड़ का एनपीए हो गया तो 700 करोड़ रुपए को प्रॉफिट में से गए, प्रोविजन करना पड़ता है प्रॉफिट में से, जो प्रोविजन किया वो एक साइड में चला जाता है और उस पर प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। उसका नुकसान अगर अपन देखें व्यवहारिक तौर पे तो जैसे आपका बैंक को नुकसान, नुकसान नहीं बैंक को तो हो गया, बैंक का 700 करोड़ रुपया चला गया 1,000 रुपए का एनपीए। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट एक और आता है कि जो बैंक का उठा के 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो नेशन की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में 1,000
करोड़ रुपए काम आता, उसमें से 700 करोड़ रुपए कट गए। कुल मिलाकर के हमारी जो 700 करोड़ की पूंजी थी वो तो गई काम, वो तो गई, एक ही आदमी ले गया। मतलब जो काम हमारे आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में जो पैसा लगता वो एक व्यक्ति लेकर के भाग गया जी। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ, और भारत सरकार के पास में उस व्यक्ति को पकड़ने की लाने की ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति तो मतलब इस तरीके से तो ये हुआ कि लाखों करोड़ रुपया जो गिनती के लोग लेकर के बैठे हैं भागे हुए हैं। अक्सर आप भी कहते हैं कि भाई आप एक लिस्ट तो एनपीए की लिस्ट जारी करिए। मतलब कुल मिलाकर के भारत सरकार बिल्कुल इस तरफ नजरें नहीं दिखा रही है, निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1969 में जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ वो इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए हुआ, और दूसरी बात जो निजीकरण था उस निजीकरण के तहत औद्योगिक घरानों के हाथ में जो बैंकिंग सिस्टम था उसको दुरुपयोग करते हुए पब्लिक का डिपॉजिट लेके बैंकों को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके और जो भाग जाया करते थे उससे बचाने के लिए था। बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। आज के टाइम भी हम देखेंगे तो पास्ट में आप डाटा उठा के देखेंगे सैकड़ों नहीं हजारों प्राइवेट बैंक इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, डूब चुके हैं, डूब चुके हैं। लेकिन मुझे आप किसी नेशनलाइज बैंक का नाम बताइए जो कि इंसॉल्वेंट हुआ। कोई नेशनलाइज बैंक मुझे जानकारी में नहीं आता है कि अपनी कार्य पद्धति कमी की वजह से डूबा है या पब्लिक का पैसा डूबा है। किसी भी तरह से नहीं डूबा, उसने प्रोटेक्ट किया है, प्रोडक्टिविटी दिया है, हर लेवल प्रोडक्टिविटी दिया है। आपने जिक्र किया डिमोनेटाइजेशन के पीरियड का, उस टाइम को भी निकाला। आप ये देखिए कि कोरोना काल का कितना जबरदस्त दौर निकला है। एक बैंक केवल बैंक ऑफ बड़ौदा से इस कोरोना काल में 118 एम्प्लॉइज एक्सपायर हुए ड्यूटी के दौरान, कोरोना काल में। और अगर ओवरऑल अपन देखें तो कितने हजार एटलीस्ट 1000-2000 एम्प्लॉय इसमें एक्सपायर हुए हैं जिनका गवर्नमेंट को चिंता नहीं है। आप ये देखिए कि आज के टाइम पे बैंकर हर लेवल पे हर तरह का काम कर रहा है, आम आदमी के पास में उसके दिल में घुस के प्रोडक्टिविटी लाके दे रहा है। आज बैंकों का नजरिया ये हो गया है कि डिपॉजिट और एडवांसेज बेस को छोड़िए, आप नॉन फंड बेस्ड बिजनेस कीजिए। उसमें आपका इंश्योरेंस भी आ गया, उसमें आपका म्यूचुअल फंड भी आ गया, उसमें दूसरी सर्विसेज भी आ गई। बैंकों का डिपॉजिट की सुरक्षा की कोई चिंता ही नहीं है। कॉर्पोरेट या टॉप मैनेजमेंट डिपॉजिट्स को म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करवा रहा है जहां असुरक्षा भरपूर है। पूरा मीडिया प्रचारित करता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन जो मार्केट रिस्क को कवर करता है उस कॉर्पस को मार्केट रिस्क में कन्वर्ट करने के लिए हर तरह से मैनेजमेंट प्रयासरत है। इसमें अभी एक नाम और भी आया चंदा कोचर का, मैं एक बार वापस से इसी चीज पे लेके आता हूं। आज चंदा कोचर को अगर अपन एक उदाहरण मान लें कि आईसीआईसीआई बैंक की चेयरपर्सन चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक का जो एसेट से जो मुनाफा था वो उठा करके अपने पति की कंपनी को दे दिया। भारत सरकार ये इन्हीं सारे बैंकों को अगर प्राइवेटाइजेशन की सूची में ला देती है या स्थिति में लाके खड़ा कर देती है तो ऐसी तो बहुत सारी चंदा कोचर हो जाएंगी, निश्चित रूप से होंगी। आज अगर भारत सरकार निजीकरण और प्राइवेट बैंकों को बेहतर मानती है, बेहतर सर्विस मानती है, बेहतर बेनिफिट मानती है ग्राहकों का, क्यों नहीं हमारे राजस्थान या पूरे भारत के गांव में ब्रांचें खोलते हैं लोग। आज मुझे नहीं लगता किसी भी हार्डशिप गांव के अंदर प्राइवेट बैंक की ब्रांच है, शहर और कस्बों तक सीमित है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की हर गांव और हर घर ढाणी में ब्रांच है। ये बात, वहां को एग्रीकल्चर लोन दिए जा रहे हैं, वहां की जो उनके नरेगा का जो पैसा आता है वो आ रहा है, क्योंकि कुछ सरकारी बैंकों तो अननेसरी इन्होंने वर्कलोड जैसे मैंने साथ बताया वर्कलोड बढ़ा दिया साहब, छात्रवृत्ति जैसा गैस की सब्सिडी है, सब बैंक का कोई रोल नहीं है, लेकिन आके हर आदमी साहब मेरी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है, जबकि वहां तो अगर वो क्रेडिट करेंगे तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा डालेंगे तो। नरेगा का पैसा है, पारदर्शिता तो वहां भी, पारदर्शिता तो यहाँ हम सुनते हैं कि इसमें भी कहीं तो हो ही सकता है, भले आप अकाउंट में डाल रहे हो लेकिन कहीं तो मैनिपुलेट इसमें भी हो ही सकता है। एक चीज और यहाँ पे सवाल पैदा होता है, आप वर्कलोड की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक तो सर्विस में से लोगों की संख्या कम हो रही, स्टाफ कम होता जा रहा है, नई रिक्रूटमेंट नहीं है, नई भर्ती नहीं है। जनधन खाते भारत सरकार ने खुलवा दिए कि भाई आप हर व्यक्ति को जनधन खाता खोलना, अब वो जनधन खाते खुल भी गए बैंकों के प्रयासों से, या अब वो बहुत सारे खाते जो है वो संचालित नहीं हो रहे। हम छोटे मोटे तौर पे जो सुनते हैं कि भाई वो बैंक कर्मचारी कहता है कि यार इसमें पैसा तो आता नहीं है लेकिन हर बार लेजर में इसका नाम तो हमें लेके ही जाना पड़ता है, आगे से आगे ट्रांसफर तो करना ही पड़ता है। क्या मतलब इस तरीके से कितने खाते, करोड़ खाते होंगे जो मतलब हर बार हर महीने आपको आगे से आगे उसको ट्रांसफर करना ही होता है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जनधन खाते जब खुले थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे वो इस उद्देश्य से खुले थे कि ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनधन खातों के माध्यम से जैसा कि कहा करते हैं कि 15 लाख रुपए हर एक खाते में आएंगे, उस लालच में ये खाते खुले थे। अच्छा, वो बैंक वालों से आके पूछते थे होंगे कि हाँ, खाता खुल जाए तो 15 लाख। अनवांटेड मनी क्रेडिट करने के लिए पब्लिक ने जनधन खाते खुलवाए थे। जनधन खाता बेसिकली पुअर कैटेगरी के लिए है जहाँ पे कुछ सब्सिडी की प्रोविजन होते हैं, लेकिन मास ने वो जनधन खाते खुलवाए, गवर्नमेंट ने उसकी वाई
ड्यूटी और बर्डन बैंकर के ऊपर आया। जब उनको बेनिफिट नहीं मिला तो एक फिर अगला फेज आया कि इन जनधन खातों को बंद कीजिए, जो उसके योग्य नहीं थे उन खातों को बंद करने का क्रम भी चला। कैरी फॉरवर्ड करने का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जो खाता जिस एलिजिबिलिटी में है, जिसको जो सर्विसेज मिलनी है वो बराबर मिल रही है, खाता जो मेंटेन्ड है मेंटेन्ड है, जो नहीं है इनएक्टिव खाता है। लेकिन जनधन खाते में जो एक मानसिकता थी कि जीरो बैलेंस का खाता खुल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर खाते में बैलेंस भी रखना है, हर खाते को ऑपरेट भी करना है, जो भी खाता है। जनधन खाते में एक लिमिटेड फैसिलिटी हुआ करती थी। नहीं, हमारी सरकारें जिस तरीके से लोगों को बताती है ना, क्योंकि जीरो बैलेंस पे जनधन खाता हमने खोल दिया है, अब चाहे उसका ऑपरेट हो ना हो सवाल इस बात का नहीं है, हमने सबको लाके बैंक से जोड़ दिया, उसका कोई औचित्य नहीं है, उनको ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा उसको। वरना उसकी सीमा कितनी, लिमिट कितनी होती है, कितने दिन में आप बंद कर देंगे वो खाता अगर ऑपरेट नहीं होता तो? यदि एक साल तक उसका ऑपरेशन नहीं होगा तो इनऑपरेटिव अकाउंट, इनऑपरेटिव हो जाएगा, बंद नहीं करेंगे उसको, बंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं करेंगे, गौर नहीं किया जाएगा। बंद करने के लिए उसमें काफी लंबा प्रोसेस है, उसको लेटर लिखना पड़ेगा, उसको स्विच देना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, और वो लेटर का रिप्लाई कई बार नहीं आता है, जनरली उसको बंद नहीं करते। अब एक सवाल और उठ रहा है जो आपसे जानना चाह रहे थे हम, आपने भी अपनी लंबी सर्विसेज बड़ौदा बैंक के साथ में ही, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या बड़ौदा बैंक के कर्मचारी भी मतलब संकट के दौर से हैं इसमें? देखिए, इस टाइम पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है, एक तरह से हायर मैनेजमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में अधीनस्थ वर्ग और क्लर्क वर्क को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हो रहा है ऐसा लगता है। 2016 में लास्ट रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए थे अधीनस्थ वर्ग के, उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो रिक्रूटमेंट हुए हैं 2016 के बाद से हर साल, क्योंकि उस टाइम रिक्रूटमेंट में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट MBA इंजीनियर सब तरह के लोग रिक्रूट हुए थे, और इस आशा के साथ अधीनस्थ वर्ग में जिनको सफाई कर्मियों के नाम पे रिक्रूट किया था वो इस आशा के साथ बैंक में आए थे कि हम प्रमोशन लेके आगे बढ़ जाएंगे। उसमें वो सफल भी रहे, काफी कुछ सफल रहे, हर साल प्रमोशंस होने का हमारे यहाँ प्रोविजन है, प्रमोशंस हुए। लेकिन प्रमोशंस रिटायरमेंट्स डेथ और रेजिग्नेशन डिफरेंट कारणों के चलते हुए आज स्थिति यह हो गई है कि इन 6 साल में जब कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो भारत की 8000 से अधिक शाखाओं में 8000 सब स्टाफ भी अधीनस्थ वर्ग भी नहीं बचा है। आज अधिकतर शाखाओं में कोई अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है, आज सारे मतलब हायर पोस्टों पे चले गए हैं ये सब। जब रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो बट नेचुरली संख्या डे टू डे कम से कम होनी है, हम बात करें तो संख्या डे टू डे कम हो रही है। रिक्रूटमेंट जब जीरो है तो संख्या बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके अलावा जब ये महसूस किया गया मैनेजमेंट ने कि सब स्टाफ की जो एक एक्यूट शॉर्टेज हो गई है उसको कैसे पूरा किया जाए, सबसे पहले तो सितंबर मंथ में मैनेजमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि कोई भी शाखा प्रबंधक क्षेत्रीय प्रबंधक या अंचल प्रबंधक सब स्टाफ का रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, यदि कहीं भी ये पाया गया तो वो व्यक्तिगत दोषी होगा। लेकिन इसके नेक्स्ट राउंड में मैनेजमेंट ने राजस्थान में आउटसोर्स एजेंसी से एग्रीमेंट्स किए, एग्रीमेंट्स करने के बाद साथ ही सब स्टाफ के लिए सफाई कर्मचारी के रूप में हाउसकीपिंग के लिए शाखाओं के साफ सफाई रखरखाव के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से एंगेज करना शुरू किया, जिनको बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, बहुत कम वेतन दिए जाने का प्रावधान था। हमने इसका विरोध किया, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त जयपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया और इसको रोकने का प्रयास किया, बहुत कम शाखाओं में आउटसोर्स कर्मचारियों को लगाया जा सका। लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी सफलता का गुणगान करते हुए बहुत कम शाखाओं में लगा पाए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ने इसको अपनी सफलता बताते हुए 27 अप्रैल 2022 को पूरे बैंक में ऑल ओवर इंडिया में सफाई कर्मचारी के रूप में आउटसोर्स एजेंसी से एग्रीमेंट करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करने के इंस्ट्रक्शंस निकाल दिए और इसकी 31 मई की लास्ट डेट भी रख दी। इसके साथ ही पिछले 2 साल से क्लेरिकल स्टाफ के कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुए, हर साल रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, प्रमोशंस भी हो रहे हैं, रेजिग्नेशंस भी हो रहे हैं, एम्प्लॉयज की डेथ भी हो रही है, संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। शाखाओं में एक एक लिपिकीय वर्ग देने के लिए मैनेजमेंट के पास बंदे नहीं है, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है और अपनी चालों चलता जा रहा है। आज सब स्टाफ का आउटसोर्स कर रहा है, कल क्लेरिकल का जो लिपिकीय वर्ग है इसका आउटसोर्स करने का मानस भी हो सकता है। इस रिक्रूटमेंट न होने के कारण जो एम्प्लॉय को 2015 2014 2016 के सालों में 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दिया था, पता कि सब अधीनस्थ वर्ग और क्लेरिकल लिपिकीय वर्ग को जो वेतनमान है, जैसा कि मित्र ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तुलना में भी कम है, बैंकों में केवल अपने मूल वेतन का 6.5% HRA के रूप में दिया जाता है। उठा के किसी एम्प्लॉय का 10,000 मूल वेतन है तो उसका 6.5% कितना हुआ, 650 रूपए। मैं जानना चाहूंगा कि देश के किस कोने में 650 रूपए में किसी बंदे को मकान मिल जाएगा और वो वहाँ की अपने लाइफ एंजॉय कर सकेगा, सर्वाइव कर सकेगा। इसके अलावा आज बैंकों में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हाईली क्वालिफाइड पर्सन लिपिकीय वर्ग में भर्ती हो रहे हैं या अधीनस्थ वर्ग में भर्ती हुए थे, उनकी क्वालिफिकेशन में उनको क्वालिफाई करने के लिए उनके पेरेंट्स ने जो सपने देखे थे, आज जब वो अपना ही सर्वाइवल पोजीशन में नहीं है,
क्या वो अपने पेरेंट्स को कितना सपोर्ट दे पाएगा, उनके पेरेंट्स का कितना सपने साकार हो पाएंगे, ये सब चीजें इंगित करती है कि मैनेजमेंट और गवर्नमेंट लिपि के वर्ग पे जो इतना कम वेतनमान देते हुए दूरस्थ केंद्रों पर पोस्ट किए हुए हैं, वो उनके सपनों को इच्छाओं को चकनाचूर कर रही है। उनको साथ साथ 8-8 साल बाहर नौकरी करते हुए भी अपने होम टाउन पे नहीं ला पा रही है या कन्वीनियंस सेंटर पे नहीं ला पा रही है, उनमें एम्प्लॉयज में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो डिमोरलाइज हो रहे हैं और मैनेजमेंट मजबूर कर रहा है कि या तो आपको नौकरी करना है तो किसी भी कीमत पे करो, अदरवाइज नौकरी छोड़ दो। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का मानस जो है अधीनस्थ वर्ग और लिपि के वर्ग को खत्म करने का है। जो हम महसूस कर रहे हैं कि जीरो रिक्रूटमेंट, मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करना, हर साल रिटायरमेंट होना, हर साल प्रमोशन होना, हर साल रेजिग्नेशन होना या किसी न किसी कारण से नौकरी छोड़ के जाना, ये संख्या में जो कमी होती जा रही है और किसी तरह से कंपनसेट नहीं हो पा रही है और बैंकों में काम का भार बढ़ता जा रहा है, तो ये ऐसी पैदा की जा रही है कि बैंक में ये कैडर बचे ही नहीं। लेकिन हम तो ये तक सुनते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर तो पानी पिलाने वाला भी नहीं है, पियोन तक की पोस्टें नहीं भरी गई है, मतलब कहा, और ऐसा कोई एक दो बैंक नहीं है बल्कि सैकड़ों बैंक ऐसे जो खाली पड़े हैं जहां कर्मचारी को खुद को ही सारे काम करने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है और ये सारी सोची समझी चाल है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के आधार पे। इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पहले अमलगमेंट किया गया, मर्ज किया गया और निजीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निजीकरण के प्रयासों के तहत रिक्रूटमेंट बंद किए हैं और आज जो है एम्प्लॉय के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, एम्प्लॉय कुछ नहीं है और मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। जब ये हायर मैनेजमेंट ने 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकाला कि देश की सारी शाखाओं में या जहां जहां आवश्यकता है वहां पर आउटसोर्स करते हुए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सफाई कर्मी के रूप में ब्रांचेस के रखरखाव के लिए वेतन रखे जाएं। अब देखिए उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, 7,500 रुपए ये देने के उसमें बात करते हैं। एक आउटसोर्स एजेंसी से लिमिटेड अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसमें झाड़ू पोछा से लेके आपको क्लीनिंग की हर चीज उसमें लाना है और सैलरी पे करना है, आपके एक रीजन में उठा के 50 ब्रांचेज है, 50 में 40 ब्रांचेज में रखना है, 40 ब्रांचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, यदि 6 लाख का या 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एक ब्रांच के लिए क्या इसमें आता है ईयर वाइज, जब वो लिटिल अमाउंट उसको मिलेगा तो लिटिल अमाउंट एम्प्लॉय को देगा। आप देखिए इसके पहले बैंकों में एटीएम गार्ड्स के रूप में इन्हें किया जो फ्लॉप हुआ, ड्राइवर्स के लिए किया जो एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में सैलरी जाती है और उसको जो है मिलता है, देने के लिए मैनेजमेंट के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन निजीकरण के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि जो इनको 2-2, 3-3 महीने तक सैलरीज का पेमेंट नहीं होता है एटीएम गार्ड्स को, एटीएम वाले गार्ड्स को, और ये स्थिति इनकी है कि जो आउटसोर्स बंदे रखे जा रहे हैं, इनको सुबह 9 बजे बुलाया जाता है, शाम तक बैंक में बिठाया जाता है, कहा जाता है इनको सफाई के लिए रखा है, लेकिन ब्रांच में इनको पूरा इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जो बीसी अपॉइंट किए हुए हैं और उसी बंदे को हाउसकीपिंग के लिए अपॉइंट कर दिया, मतलब एक बंदे को 2-2 जॉब के लिए अपॉइंट कर दिया और उसी को एनपीए रिकवरी में लगा रखा है, उसको डबल सैलरी दे रहा है और उसकी मतलब कोई कदर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर के लिए बढ़ा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। भारत सरकार जब आई थी चुनाव जीत के तो 2 करोड़ नौजवानों को बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वायदा था, तो गुप्ता जी आपके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो रोजगार पे ये लेकर के भी आ रहे हैं 7-7.5 हजार रुपए मासिक सैलरी वालों को, तो ये तो न्यूनतम वेतन से भी कम रोजगार के हिसाब से ले आए। देखिए मैं उस विषय पे नहीं आऊंगा क्योंकि रोजगार तो रोजगार है। भारत सरकार जो कह रही थी वो अपने डाटा पेश करती है, वो ये कहते हैं पकौड़ा बेचने वाले को भी रोजगार मिल रहा है, वो भी एक रोजगार में आ गया। हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर में जो रोजगार होता है परमानेंट नेचर का रोजगार होता है, उसमें जिम्मेदारी होती है, उसमें विश्वसनीयता होती है, जो विश्वसनीयता और कमिटमेंट एक परमानेंट एम्प्लॉय की हो सकती है वो आउटसोर्स पर्सन की नहीं हो सकती है। आज जो आउटसोर्स पर्सन है वो बैंक की सीक्रेसी को आउट कर रहे हैं, वो बैंक की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। ये एक नया पहलू शुरू हो गया है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जिस बंदे को आउटसोर्स किया है साफ सफाई के लिए, सुबह 9 बजे बुलाया, शाम को 7 बजे तक बिठा रखा है, वो भी इंसान है, वो ही अनाज खाता है जो हम खाते हैं, उसका भी दिमाग तो काम कर रहा है। जब मौका मिलेगा, जब उसका पेट ही नहीं भर के, उसका पेट भर नहीं रहा, उसको मौका मिल नहीं रहा, उसको तो आप शोषण कर रहे हो। मतलब एक तरीके से आप एक गवर्नमेंट बॉडी में बैठ करके और उसको एक प्राइवेट सेठ की तरह ट्रीट कर रहे हो कि भाई आप तेरे को 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटा नहीं, तेरे को तो ये काम करना ही है, बट नेचुरल है शोषण के खिलाफ उसके मन में भी कुछ ना कुछ उठेगा। दूसरा एक मैटर और आ रहा है, जब आउटसोर्स एजेंसी ने किसी एम्प्लॉय को अपना आईडी कार्ड देके ब्रांच में एंटर कर दिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, जब कल टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। फिर आज आउटसोर्स एजेंसी ने किसी बंदे को एंटर किया है, आज नहीं तो कल वो छुट्टी पे भी जाएगा, परमानेंट एम्प्लॉय की जगह तो जो रिमेनिंग एम्प्लॉय है वो काम कर रहे हैं, उस बंदे की जगह पे नया बंदा आएगा। तो जो आपकी सीक्रेसी है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो सिक्योरिटी पेपर्स हैं, आपकी जो करेंसी है, आपकी जो और चीजें, इन सब में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है और इनसिक्योरिटीज बढ़ रही है। गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, क्या ये ओवरऑल बैंकों पे यही सिचुएशन है या बैंक ऑफ बड़ौदा में? ये सभी बैंकों की स्थिति यही है, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में सभी बैंकों की सेम स्थिति है और
आउटसोर्सिंग के बारे में जैसे मेरे साथी वरिष्ठ साथी बता रहे थे गुप्ता जी कि शोषण तो हो ही रहा है, क्योंकि शोषण के पीछे एक तो उनको ये प्रलोभन दिया जाता है कि जब भी वैकेंसी आएगी तुम्हें परमानेंट करा दें, तो उस आदमी 8 बजे आता है, रात को 9 बजे जाता है, और कई बार तो मैनेजर को घर पर काम करने जा रहा है, ऐसा देखने को मिलता है कई जगह से उदाहरण। जहां सिक्योरिटी की बात आती है, आज के 2 साल पहले अगर आपको नॉलेज में हो तो आपने पास कहीं रिकॉर्ड में हो तो 2 साल के पहले देवली से टोंक के बीच में ICICI बैंक की कैश वैन जा रही थी, तो वहां पे उन्होंने जो गार्ड होता है, कैशियर होता है, ड्राइवर होता है, उन्होंने गाड़ी को खड़ी की, न मालूम कहां खाना खाने गए, कहां गए पता नहीं, लेकिन वो गाड़ी बिना उसके गाड़ी नहीं हुई, लेकिन वो बिना किसी अथॉरिटी की गाड़ी वहां खड़ी थी, उसमें कोई नहीं था। और जब पुलिस की फ्लाइंग उस रोड से निकली तो उन्होंने देखा गाड़ी कैश वैन रात में यहां कैसे खड़ी है, तो ये भी एक हमारे चिन्ह लगाएगा कि हमारी बैंक की सुरक्षा या हमारे कैश की सुरक्षा कैसे संभव है। जैसे साथी ने बताया कि आउटसोर्सिंग बैंक तक सीमित नहीं है, मैं कैजुअल लेवल पे आ रहा था अभी, जो बैंक अंदर पानी पिलाएगा, सफाई करेगा, उसके बाद हम आते हैं सुरक्षा प्रहरी पे। सुरक्षा प्रहरी जो बाहर का है, जिसको एजेंसी 50% पैसा देती है, हमसे जो लेती है उससे 50% पैसा देती है, क्या उस पर विश्वास किया जाए कि वो वहां की सुरक्षा को कहीं सीक्रेट आउट नहीं होने देगा, उससे भी पूरा पसंद किया जाता है। ATM की जहां गार्ड की बात आती है, आज की तारीख आप देखेंगे कि ATM से गार्ड हटा दिए गए, क्योंकि वजह से केस तो इंश्योर्ड है, लेकिन आप देखिए वो एक कस्टमर बेचारा कम पढ़ा लिखा कोई लेडीज कोई जो है गांव का आदमी उसको यूज कर रहा है, पास में कोई चालाक आदमी खड़ा उसका पिन देख रहा है या उसको कहीं हेल्प करने के नाम पे उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। गार्ड अगर वहां होगा तो स्थिति पैदा नहीं है। जो मुख्य एक और करने बैंक जा रही है सभी बैंकों में, मेरा बैंक ऑफ इंडिया में भी करने जा रही है और MP के अंदर कुछ अंचल में कर दिया, जोन होते हैं हमारे उसमें कुछ भी किया है, बाद में विरोधाभास किया था, उसको ब्रेक लगाया। पहले इन्होंने आज 10 साल पहले केवल गाड़ी को प्राइवेट आउटसोर्सिंग चालू किया, साहब बैंक की गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी प्राइवेट होगी, लेकिन स्टाफ सारा जो है सरकारी होगा, बैंक का होगा, कैशियर गार्ड वो गाड़ी ड्राइवर प्राइवेट होगी। लेकिन अभी लेटेस्ट सभी बैंकों में कैश वैन को प्राइवेट करने जा रही है, टोटल स्टाफ कैशियर भी आउटसोर्सिंग होगा, गार्ड भी आउटसोर्सिंग होंगे, और ड्राइवर और गाड़ी तो आउटसोर्सिंग है ही सही। अब ऐसी स्थिति में चेस्ट से 1 करोड़, क्योंकि कैश वैन से जो कैश जाया जाता है वो कोई लाखों में नहीं जाता है, 2-4 लाख नहीं जाता है, 5-50 लाख इस ब्रांच से उस ब्रांच को शिफ्टिंग करना है या RBI को भेजना है, तो वो जो कैश करोड़ों रुपए अनसिक्योर्ड हो गया एक तरह से, आप उसका प्राइवेट आदमी क्या कर लेंगे, वो कल से कुछ भी कर देंगे, और फिर बाद में पुलिस मीडिया सरकार ये पूछेगी साहब बैंक अधिकारी की लापरवाही से केस लूट गया, तो आरोप तो सारा बैंक अधिकारी पे आएगा, बैंक अधिकारी पे आएगा बिल्कुल, वो ये थोड़ी देखेंगे कि आउटसोर्सिंग की सारी सर्विसेज आ चुकी हैं। तो अब निजी करने का इतना अच्छा होता तो और जगह भी होता, आप जैसे NPA पे बात कर रहे थे मेरे बड़े साथी से, बहुत अच्छे जवाब दिए साथी ने, लेकिन मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट इसमें NPA में जो हमारी मदद करती है, मदद बड़े बड़े अखबारों में आती है कि साहब PUC बैंक को इतना करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन हर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो 7% 7.5% जो सब्सिडी होती है सिर्फ मात्र वही हमें गवर्नमेंट की ओर से मिलती है, बाकी 93% तो बैंक का डूबता है, ये 7% देके फ्री। आज गवर्नमेंट स्कीम जो चालू कर रही है इसमें क्या आप NPA होना मुनासिब नहीं है, 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक जो है आपका मुद्रा लोन, आज आप हम प्रैक्टिकल अगर देखें तो किसी को 1000 रुपए उधार देके देखें नॉन आदमी क्या वापस आ जाएगा बिना जिम्मेदारी से, वो कहते हैं आप इसमें गारंटी न ले, तो ये सीधा बैंकों को डुबाने का एक प्रयास है इनका कि आप बिना गारंटी के बिना किसी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के आप 15 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए 10 लाख। दूसरा है निजीकरण की बात, भी मैं कहूंगा कि अब तक भारत के अंदर वर्तमान सरकार से पहले कई सरकारी कंपनियां बनाई गई, क्या मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी से वो अनुभवशील कम थे, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी के टाइम पे 16 साल 86 डेज के अंदर 33 सरकारी कंपनियां बनाई गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम 5 कंपनियां बनाई गई थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम 66 कंपनियां बनाई गई थी, मोरारजी देसाई 9 कंपनियां बनाई गई थी, राजीव गांधी जी के टाइम 16 बनाई गई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम 2 बनाई गई थी, PV नरसिंह राव जी के टाइम 14 बनाई गई थी, HD देवगौड़ा जी के टाइम 3 बनाई गई थी, और इंद्र कुमार गुजराल जी के टाइम 3 बनाई गई थी, और अटल बिहारी जी के टाइम जो एक सर्वसरी सर्वव्यापी नेता थे इनके BJP के, उनके टाइम भी 17 कंपनियां सरकारी बनाई गई थी, भले 7 कंपनियों का निजीकरण किया हो, 17 है नहीं बनाई गई थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम 23 बनाई गई थी और उनके टाइम भी 3 जो है निजीकरण किया गया। तो ये निजीकरण करना इतना विषय नहीं है, लेकिन उसके बदले में आप अच्छा कितना कर रहे हो ये देखा जाएगा। और हमारे माननीय मोदी जी के टाइम तो अभी राष्ट्रीय सरकारी कंपनी का तो मुझे इसमें तो आंकड़ा नहीं लग रहा, हमने जो मांगा था उसमें, और 23 कंपनियों इन्होंने निजीकरण कर दिया है जो 6 साल 2 दिन, ये उस समय की न्यूज है मेरे पास जो हमने ये आपके RTI के RTI के हाँ। तो अब आप देखिए कि निजीकरण के फायदे कहाँ हैं, और निजीकरण के फायदे होते इससे पहले भारत सरकार क्यों नहीं करती, फिर अगर निजीकरण का ही फायदा होता तो इंदिरा गांधी प्राइवेट नोटबंदी क्यों लेकर डिमोनेटाइजेशन का जो है नोटबंदी का रघुराम राजन जी ने खुद ने मना किया, पब्लिश अखबार में हुई है कि वो इससे संबंधित थे, लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने मना किया था कि भाई ये कोई जाए, और जहां जहां भी ये हुआ है वो देश आज भी आर्थिक स्थिति से नहीं उभरे,
वो सब डूबे ही डूबे। आंकड़ा कहता है मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के संग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टेट बैंक के बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे पहले 4 बैंकों का अमलगमेशन किया, 3 बैंकों का अमलगमेशन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को मिला के एक मर्ज कर दिया थी। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था, इसके बाद में अगले फेज में पिछले साल अमलगमेशन किया। बैंक ऑफ बड़ौदा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेफरेंस देती है कोई भी नए प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए। इनने उसको सक्सेस करने का प्रयास किया, यूनियंस ने, एम्प्लॉयज ने कॉपरेट भी किया, सारी चीजें हुई, सक्सेस भी हुआ। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणा की थी कि 2 बैंकों को निजीकरण किया जाएगा, नाम बताया नहीं, विरोध हुआ भरपूर। विरोध भरपूर होने की वजह से आपने देखा है कि मार्च मंथ में 2 दिन की हड़ताल भी हुई थी इस चीज को लेकर, बीच में कोरोना की वजह से मूवमेंट स्लो हुए थे। लेकिन जो भी प्रबुद्ध जन थे AIBA ने अपने लेवल पर उनके उद्बोधन देते हुए, मुझे एग्जैक्ट डेट का ध्यान नहीं आ रहा, लगभग 72 दिन तक या ऐसे डेली ऑल ओवर इंडिया के जो भी पर्सनालिटीज थी उनके डेलीगेशन करवाए हैं और वो मैसेज बराबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया है, तो उनको डेफर करना पड़ा है जब उनके व्यूज गए। अभी फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के सहारे हम लोग ये मानते हैं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के तहत ही हो रहा है, निजीकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना है। उसके तहत जैसा मैंने बताया था आपको कि 2016 के बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में अधीनस्थ वर्ग का कोई भर्ती नहीं हुई, एक्यूट शॉर्टेज हो गई। पिछले 2 साल से लिपिक वर्ग की कोई भर्ती नहीं हुई, शॉर्टेज होती जा रही है। शॉर्टेज को मीट आउट करने के लिए, कुछ राहत देने के लिए आउटसोर्सिंग का एक तरीका अपनाया है। एकदम से तो निजीकरण हो नहीं पाएगा, जब यह हो जाएगा कि अब तो एम्प्लॉयज बचे ही नहीं, कितने से बचे। कल आपके पास में 40,000 लिपिक वर्ग था, 20,000 ऑफिसर थे, आज 42,000 ऑफिसर हो गए, 28,000 लिपिक वर्ग हो गया, कल 50,000 ऑफिसर हो जाएंगे, 20,000 लिपिक वर्ग हो जाएंगे, कल 50,000 ऑफिसर हो जाएंगे, 10,000 लिपिक वर्ग रह जाएंगे, और डे टू डे संख्या कम होती जा रही है। तो जब संख्या कम होती जानी है तो एक तरह से जनरेशन खत्म होती जानी है, जो कैडर है वो खत्म होता जाना है। जैसे IL के साथ हुआ, जैसे IL के साथ कई प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री के साथ होता है, यहाँ भी वो गेम प्ले हो रहा है। जब गेम प्ले हो रहा है, कैडर नहीं बचेगा तो आप क्या कर लेंगे। आज उस कैडर को बचाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत चारों यूनियंस एक साथ आई है, बैंक ऑफ बड़ौदा के इतिहास में पहली बार सामूहिक निर्णय लेते हुए संघर्ष का आह्वान किया है। जब इन सबके बावजूद मैनेजमेंट की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो मजबूरन चारों यूनियंस को निर्णय लेते हुए मैनेजमेंट को स्ट्राइक नोटिस देने के बाद में 13 मई या 17 मई, इसके बाद में सेंट्रल लेबर कमिश्नर का इंटरवेंशन हुआ। अभी 24 तारीख को सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने अपने कॉन्सुलेशन मीटिंग भी बुलाई, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी हठधर्मता दिखाते हुए कोई पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं दिए, कोई सहयोग या सपोर्ट या इश्यू को रिड्रेस करने के लिए कोई अपना विचार व्यक्त नहीं किया। रिजल्टेड वार्ता फेल रही और 30 तारीख की स्ट्राइक स्टैंड स्टिल है। यूनियंस को मजबूर होकर स्ट्राइक बजाना पड़ रहा है। यूनियंस कभी नहीं चाहती है कि स्ट्राइक हो, लेकिन यूनियंस के पास में स्ट्राइक के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचता है जब मैनेजमेंट अपनी हठधर्मता पे आता है। यूनियंस कभी नहीं चाहती है कि आम नागरिक को, आम ग्राहक को, आम जनता को किस तरह की तकलीफ हो, लेकिन मजबूरी है कि इसके अलावा हमारे पास विकल्प क्या है। यदि कैडर को बचाना है, यदि संस्था को बचाना है, यदि हमारे बेनिफिट्स को बचाना है, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम आग्रह करते हैं चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अपनी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचाए ताकि वो समझदारी से काम ले, यूनियन से समझौता वार्ता करे, समझौते के पटल पे आए। कुल मिलाकर के दोस्तों हमारी बातचीत का सारा सिर्फ इतना है कि बैंक इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है। अब कॉल है एक बार बड़ौदा बैंक को बचाने के लिए। लड़ाई बैंक में बैठने वाले कर्मचारी की अपनी एक क्षणिक है, लेकिन उस बैंक से जुड़ा हुआ हमारे और भी बहुत सारे सवाल है। हमारा पैसा है और हमारे बच्चों की भावी नौकरियां भी हैं, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारे बच्चों को रोजगार मुहैया कराता है। अगर उस बैंक में ही रोजगार खत्म कर दिया जाएगा, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई हित नियत नहीं है। यदि इसमें हमारा उद्देश्य है तो ये कि आम जनता के जो बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ी है, उसको एक सुरक्षित रोजगार, एक ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की ओर हम ले जा सकें, और बैंकों में जो कार्यभार बढ़ा हुआ है उससे थोड़ा राहत मिल सके और ग्राहक वर्ग को बेहतर सेवाएं देने में हम सक्षम हो सकें। तो आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, गौर साहब आपका भी हम तहे दिल से स्वागत, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुप्ता जी आपने भी हमारे